थाना रामगढ़ के यूपी एसआईडीसी फीडर पर फायरिंग का मामला आया प्रकाश में। अधिशासी अभियंता विश्वेंद्र चौहान ने दी मीडिया को पूरी जानकारी। कुछ दिन पूर्व ही यहां डीएमएसएसपी ने किया था नई चौकी का शुभारंभ। फिरोजाबाद थाना रामगढ़ के यूपी एसआईडीसी फीडर पर फायरिंग का मामला प्रकाश में आया। इस संबंध में अधिशासी अभियंता विश्वेंद्र चौहान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वे अपने कार्यालय लेबर कॉलोनी पर बैठे थे, तभी यहां के एसडीओ का फोन आया, राजकुमार शर्मा जी। यहां इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा जी, उनके द्वारा फायरिंग की गई। बात उनसे की गई, बताया गया कि 24 तारीख को उन्होंने फॉर्म के लिए कनेक्शन अप्लाई किया गया था। वे अभी तक हमारे ऑनलाइन डेटा के अकॉर्डिंग उसमें प्रोसेस चल रहा था। समाधान दिवस का अंतिम दिवस है, सभी अवर अभियंता सुबह से ही इस कार्य में व्यस्त थे। उनके द्वारा यहां पर काफी रोष व्यक्त किया गया और इन्विटेशन में फायरिंग की गई। उनके द्वारा शायरी भी बोला गया, बताया डील कैंसिल होने वाली थी, बाकी हम लोग देखेंगे क्या करना है। कहा ये बिल्कुल घटना अविश्वसनीय है, अभी यहां नई नई चौकी का निर्माण किया गया है, डीएम एसएसपी ने शुभारंभ किया था, इसके बाद भी ये घटना होना ठीक नहीं है। सर, अभी यूपीएसआईटीसी फीडर पर फायरिंग हुई थी, क्या है मामला, किस तरीके का मामला था, आखिर क्यों हुई फायरिंग? मामला ये है कि मैं अपने ऑफिस लेबर कॉलोनी में बैठा हुआ था, मुझे यहाँ के एसडीओ का फोन आया कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राजकुमार शर्मा जी, उनके द्वारा यहाँ पे फायरिंग की गई है। जब मेरे द्वारा आने पर यहाँ पे बात उनसे की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 24 तारीख उन्होंने गार्ड प्रोवाइडर का कनेक्शन एक फर्म के लिए अप्लाई किया गया था और वो अभी तक हमारे ऑनलाइन डेटा के अकॉर्डिंग वो बियॉन्ड में नहीं है, उसमें प्रोसेस चल रहा था। बीच में होली की दो दिन की छुट्टी पड़ गई, आज एक वो समाधान योजना का अंतिम दिवस है, इस कारण हमारे सारे अवर अभियंता उपखंड अधिकारी सुबह से इस कार में व्यस्त थे, तो उनके द्वारा यहाँ पे आके काफ़ी रोष व्यक्त किया गया और एग्रेशन में यहाँ पे फायरिंग की गई। उनका कहना है कि मैंने साहब मेरा थोड़ा सा मेरी एक डील कैंसिल होने वाली थी तो मेरा थोड़ा सा दिमाग हिल गया था सर, तो मैंने ये किया है। तो बाकी अभी उनके द्वारा काफ़ी सॉरी भी बोला गया है, बाकी हम लोग इस पे भी लोग देखेंगे क्या करेंगे। सर, अगर ये किसी के लग जाती है, यहाँ भीड़ बहुत है, यहाँ पे समा आज बिल वगैरह जमा हो रहे हैं, क्या मानते हैं इस तरह की घटना को, क्या मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल घटना अविश्वसनीय है। यहाँ पे यूपीएसआईडीसी की सामने बिजली घर के सामने अभी नई नई हमारे डीएम साहब और एसएसपी साहब के द्वारा नई नई चौकी का निर्माण किया गया है, वो भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रयास से ही यहाँ निर्माण हुआ है, और उसके बावजूद भी अगर यह घटना घटित हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है, इस पर हम लोग अभी आगे की कार्रवाई के लिए देख रहे हैं क्या करें। एसएचजे मॉडर्न स्कूल सरस्वती नगर फरोजाबाद की तरफ से आप सभी शहरवासियों को, सभी अभिभावकों को होली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि आप लोग सब
मैं दुर्गपाल सिंह डीपी यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, होली पर सभी जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और इस विषय पर। दिलीप यादव, MLC आगरा फिरोजाबाद क्षेत्र। ये होली के पर्व पर सभी जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं और सभी से मेरा अनुरोध है बहुत सादगी से परिवार में मिलकर बैठकर समय देकर इस त्यौहार को मनाएं और परिवार का विशेष ध्यान रखें। यादव, नेता प्रतिपक्ष पार्षद नगर निगम फिरोजाबाद। नगर की सम्मानित जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं अपील करता हूं कि सभी मिलकर होली का त्यौहार आपसी सौहार्द के साथ मनाएं एवं सोशल डिस्टेंस के साथ मनाएं, क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। मैं अपने शहर के देशवासियों को होली की शुभकामना देता हूं और कृपा करके कोई भी अलग ना करे, सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं बड़े प्यार से होली खेले, किसी को कष्ट ना पहुंचाए कोई। मैं संजय यादव सभी नगरवासियों को होली की शुभकामना देता हूँ।